Hi Anjali, how are you? ठीक, मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? नहीं, मेरा ना मिक्सर ख़राब हो गया है, तो तुम्हारे पास मिक्सर है क्या? मुझे थोड़ा सा मिक्सी चाहिए था। हेल्प प्लीज़, मी हेल्प मी। हाँ ठीक है, कर लीजिए यूज़ मेरा मिक्सर। कैसी लड़की है, कितनी गंदी लड़की है, कितना गंदा रखती है सब कुछ, किचन कितना गंदा रहता है इसका। ओ माय गॉड, आई डोंट लाइक। हाँ मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओ माय गॉड, आई वॉन्ट टू लीव फ्रॉम हियर। मैं क्यों आई इसके घर में? हाय अंजलि, हाउ आर यू? हाँ ठीक हूँ। क्यों? अरे क्या वैसे क्या कर रही थी आज दिन भर? क्या बताऊँ आंटी जी, इतना काम था सुबह से। मैंने ये झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, पंखा साफ किया, बाथरूम साफ़ किया। फिर यहाँ पे मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है, तो फिर मैंने ये सब पोछा वगैरह सब लगाया, फर्श को पोछा, बेसिन के टाइल्स को पोछा। क्या क्या काम करने पड़ते हैं, और मैं अकेली हूँ तो क्या बताऊँ आपको। कुछ भी बोलती रहती है, घर पे पड़ी रहती है। मैं देखती हूँ ना, दिन भर ऊपर शांत से बैठी रहती है, कुछ भी बोलती है, काम भी कुछ नहीं करती, घर पे ही ऐसे ही लेटी रहती है। हेलो मम्मी, मम्मी भैया मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज़ घर पे आ जाओ ना प्लीज़। अरे बेटा मैं काम पे हूँ, अभी मैं काम कर रही हूँ। मम्मी प्लीज़ आ जाओ ना, भैया मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ अभी प्लीज़। मैं कितनी छोटी हूँ, प्लीज़ आ जाओ ना प्लीज़। हे राम, ये दोनों के झगड़े, माय गॉड, मैं क्या करूँ, ये सब मैं कैसे हैंडल करूँ अकेली, मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है, क्या करूँ अभी। बहु सुनो तो, आज मेरे मैके से कुछ लोग आने वाले हैं घर पे खाना खाने के लिए, तो आज तुम्हें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है क्या क्या करना है, उनको क्या क्या खाना लगता है? उनको कढ़ी लगती है, चावल लगते हैं, पूरियाँ लगती है, सलाद लगता है, तो वो बेटा तुम कर दोगी ना उतना काम? अभी आपको कौन ना बोल सकता है, करना ही पड़ेगा। आपके मायके के लोग आते हैं, मेरे मायके से तो कोई नहीं आता। हाय अंजलि। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे घर पे गेस्ट आए थे ना? हाँ, तो क्या मज़े हुए होंगे? क्या कुछ नहीं, वो लोग आए थे, खाना पीना हुआ, बस बर्तन मांजने थे तो बर्तन मांज दिए मैंने। और बहुत मज़े किए होंगे, गिफ्ट्स मिले होंगे। अभी इनको क्या बताऊँ, गिफ्ट में क्या मिला है दिखाऊँ आपको? ये नाना जी का टुल्लू, समझ में आया क्या मिलता है? अंजलि इस बार ना तुम्हारे बर्थडे पे हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे, यानी हम जाएंगे बड़े से 5-स्टार रेस्टोरेंट में, फिर पहले तो हम मनाए स्टार्टर लेंगे, फिर उसके बाद रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करेंगे, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे, थोड़ा सा खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से गप्पे मारेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, और फिर सूप सूप रहा सूप अंजलि, हम सूप पियेंगे,
सूप पियेंगे, फिर खाना खाएंगे, डांस करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, केक काटेंगे। अरे केक भी ऐसा लाऊंगा ना इस बार, तुम भूल जाओगे कैसा केक लाऊंगा मैं। और लास्ट में डोंट फॉरगेट आइसक्रीम। इतनी बकवास करते ना, इतना ज़्यादा बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें और पाव भाजी खाते। हेलो मम्मी जी, मैं अंजलि बोल रही हूँ। मुझे थोड़ी सी आज आपसे हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली ना आज आप पापा जी को मेरे साथ भेज सकते हैं। मेरा कुछ काम था तो। अरे क्या बताऊँ अंजलि, इनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो इतने पैर में उनके मोच आई है कि मैं उनको भेज नहीं सकती बेटा। तो अपने आप ही मैनेज कर लो ना कुछ तो, या फिर कैब बुला लो, मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। हाँ चलो मैनेज कर लो बेटा, अच्छी बेटी मेरी, बाय। हेलो, अरे वो मेरे बाजू वाली आंटी है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई है। ओ माय गॉड, ज़रा आ जाओ ना हेल्प करने के लिए उनकी। जाने दो, छोड़ दो, क्यों कर रही हो हेल्प, वैसे भी खड़ूसी है, रहने दो, तुम बीच में मत पड़ो। सो गाइज, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो टू मेक यू लाफ। और ऐसे ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, रोज़ानी ज़िंदगी में हम ऐसे सब नुस्खे जो है वो देखते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये थोड़ा सा फ़नी वीडियो, ड्रामेटिक वीडियो करके आपको हंसाने की कोशिश की। और अगर इस तरीके के वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना कि इस तरीके के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं क्या, क्योंकि आई एम अ ड्रामा क्वीन, यू नो। तो चलो मैं करती हूँ इस वीडियो को ख़त्म। If you like this video, give it a big thumbs up, subscribe my channel and comment down below. Bye bye.